आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यस बैंक के राइज एंड फॉल की। यस बैंक की बात करेंगे, हां बैंक हिंदी में यही बोलेंगे ना इसको हम। वाकई में यस बैंक था क्योंकि राणा कपूर जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो सीईओ और एमडी थे 2019 तक, ये कभी भी ना बोलते ही नहीं थे। दोस्तों बैंक जो है ना वो भरोसे पे चलता है, याद रखिएगा। इकोनॉमी को चलाने के लिए दो पॉलिसी होती है, एक है हमारी फिस्कल पॉलिसी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टैक्सेशन ये सरकार मैनेज करती है, एक है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो बैंक्स मैनेज करती है, आरबीआई मैनेज करता है, सेंट्रल बैंक मैनेज करती है कि पैसे का फ्लो कैसा रहेगा, लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करनी है। समझ रहे हैं, बैंक का कोलैप्स होना यह बहुत ही खतरनाक साइन है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बैंक भरोसे पे चलते हैं। मान लीजिए आपका पैसा जमा है, अब देखिए जैसे यस बैंक में न्यूज आई लाइनें लगने लगी, बल्कि अभी आरबीआई उसको बचा लेगी, भारत में कोई भी बैंक नहीं डूबेगा, है ना, आरबीआई बचा लेगी उसको, लेकिन लाइनें लगने लगी, लगना लाजमी भी है ना। और ऐसा होता है दोस्तों, जब ये खबर फैल जाती है ग्राहक अपना बैंक से पैसा निकाल लेंगे, बैंक कोलैप्स्ड, खेल खत्म। और आज तो ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आज तो क्या होता है कि अगर एक डूबता है तो सब डूबते हैं, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, जैसा 2007 अमेरिकन रिसेशन में हुआ था। अमेरिका डूबा तो साथ में बहुत सारे देश भी डूब गए थे, आइसलैंड पूरा बैंकरप्ट हो गया था, उस पर मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया अमेरिकन रिसेशन पे। तो ये आज के हालात हैं। तो हम यस बैंक की बात करेंगे जो हुआ है 2005 से लेकर 2020 तक, और 5 मार्च को जो हुआ और जो इसका रिन्यूअल प्लान लाया गया है कि यस बैंक को बचाया कैसे जाए, ठीक है, SBI उसके स्टेक्स खरीदेगा, तो वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ऑल इन वन लेक्चर होगा, सारी खबर आपको एक ही लेक्चर में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sir_Reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सारे कोर्सेज पे 70% ऑफ है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ अब मैं ट्विटर पे आ गया हूं दोस्तों, ये रही मेरी आईडी, आप यहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। पहले हम राणा कपूर के बारे में जान लेते हैं। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, आपने वो गाना सुना होगा, लेकिन अब राणा कपूर ये पब्लिक को बोल रहे होंगे कि मुझे माफ कर देना, गलती मारे से हो गई। राणा कपूर रोने लगे थे जब यहां पे एनफोर्समेंट ने इनको अरेस्ट किया और अब CBI पूछताछ कर रही है, कोर्ट में राणा कपूर टूट गए थे और इनके परिवार में भी अब शिकंजा कसता जा रहा है। पूरा जो विलन है इसमें राणा कपूर ही तो है ना, अनाप शनाप लोन बांटे, पॉलिटिशियंस को लोन बांटे, बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स थे इनके। राणा कपूर की बात करें दोस्तों तो 1957 में जन्मे, नई दिल्ली में इनकी पढ़ाई हुई, अंडर ग्रेजुएट किया, फिर उसके बाद MBA की डिग्री ली, वो भी अमेरिका से। अब अमेरिका रिटर्न है ये, अब फॉरेन रिटर्न की क्या इज्जत होती है, इससे बड़ा जीनियस तो कोई है ही नहीं। ऐसे ही हम भारतीय मानते हैं ना कि फॉरेन रिटर्न है, वाह ये तो पैदाइशी जीनियस होगा। खैर हम यहाँ पे राणा कपूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आम मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं। राणा कपूर एक काफी टैलेंटेड इंसान थे, ऐसा नहीं है, एक बहुत ही उच्च कोटि के CEO थे, ठीक है। इन्होंने यस बैंक को बहुत ऊंचाई पे ले गई है भैया, यस बैंक बहुत बड़ा बैंक है, टॉप 5 प्राइवेट बैंक में ये रहा है, ठीक है। और कॉरपोरेट लेंडिंग 65% जो कॉरपोरेट जो बैंक चलता था वो कॉरपोरेट लेंडिंग से चलता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि राणा कपूर बहुत ही खराब, राणा कपूर का कार्यकाल बहुत ही बढ़िया था, लेकिन बाद में चीजें बहुत ज्यादा गलत होने लगी जब इधर उधर लोन बांटे जाने लगे और वो लोन वापस नहीं आए। बैंक कैसे काम करते, देखिए बैंक्स कैसे काम करते ये भी मैं चलिए आपको बता देता हूं। बैंक्स का खुद का पैसा नहीं होता है, जैसे ये बैंक है, ये एक इंसान है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, इंसान क्या करेगा, बैंक में पैसा जमा करेगा और बैंक्स को इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, बैंक्स के भी शेयर होते हैं, ठीक है, बैंक्स भी पब्लिक होते हैं, अपने शेयर्स बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो पैसा होता है बैंक का वो खाता धारकों का होता है, इंसान जो है अपनी जमा पूंजी लेके बैंक में जमा करेगा, आप मतलब जो अपना उनका पैसा है, क्या बोलता रहता हूं मैं कभी, तो उनका जो पैसा है वो बैंक में जमा करेगा। अब ये बैंक क्या करेगा, इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट कैसे, लोन्स देगा, जाहिर सी बात है लोन्स देगा, बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन्स देगा। अब उन लोन्स पे होता है जबरदस्त इंटरेस्ट, तो बैंक को बहुत अच्छे इंटरेस्ट पे वो पैसा वापस मिलेगा, तो वो जो प्रॉफिट हुआ है उससे ही बैंक आपका इंटरेस्ट देगा और बाकी पैसा अपने पास रखेगा। तो इससे बैंक भी खुश, आप भी खुश, और जिसको लोन मिल रहा है वो भी खुश। ये है आइडियल सिचुएशन, ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता कहां है। हमारे NPA बढ़ते जा रहे हैं, 11 लाख करोड़ के NPA थे, अब 9 लाख करोड़। जब RBI बहुत सख्त हुई है, सरकार बहुत सारे कदम उठाए हैं, रिकैपिटलाइजेशन, इंद्रधनुष, उसके बाद प्रॉम करेक्टिव एक्शन, बहुत सारे RBI ने कदम उठाए हैं,
तब जाके ये 9 लाख करोड़ पे ये आंकड़ा आया। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, समझ रहे हैं ना, लेकिन 9 लाख करोड़ भी दोस्तों बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें जो अभी नई स्कीम सरकार ने लॉन्च किया, मुद्र हो गई और भी, वो तो जोड़ा ही नहीं है, है ना, तो आंकड़ा ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ऊपर से यस बैंक, अभी हमने पीएमसी को देखा था, अब यस बैंक को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम राणा कपूर पे दोबारा वापस आते हैं। तो भैया ये अमेरिका में इन्होंने एमबीए डिग्री ली और फिर बैंक ऑफ अमेरिका के साथ ही इन्होंने काम किया। 1980 से लेकर 1996 तक इन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ काम किया, तो 16 साल का इनको एक्सपीरियंस मिला। और फिर हम देखते हैं कि इन्होंने दो लोगों के साथ मिलकर यस बैंक की शुरुआत की 2003 में। कौन कौन थे? एक थे अशोक कपूर और एक थे हरकीरत सिंह। हरकीरत सिंह को बहुत ही जल्दी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बचे अशोक कपूर, उनकी भी 2008 में 26/11 के हमले में डेथ हो गई, बचे राणा कपूर, तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो राणा कपूर के पास था। राणा कपूर के बारे में एक और चीज बोली जाती है, राणा कपूर एक चीज बोलते थे, आप इनकी स्पीचेस देखिएगा जो इन्होंने बोला है, ये बोलते थे कि इफ यू डोंट इन्वेस्ट बिग यू डोंट ग्रो बिग, अगर आप इन्वेस्ट ही ज्यादा नहीं करेंगे तो आप बड़े नहीं बन सकते। ठीक है, ये इनकी फिलॉसफी थी कि आपको पैसा लगाना ही लगाना है। जब यस बैंक शुरू हुआ 2005 में, आरबीआई ने जब इसको लाइसेंस दिया, आरबीआई लाइसेंस देती है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से आरबीआई लाइसेंस देगी। ठीक है, आप भी बैंक अपना शुरू कर सकते हैं, पैसा है, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए, लाइसेंस मिल जाएगा तो आप काम करिए। तो यहां पे यस बैंक को जब लाइसेंस मिला तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन था वो कॉर्पोरेट लेंडिंग थी। 65% जो पैसा दिया जाता था वो कॉर्पोरेट्स को दिया जाता था, रिटेल बैंकिंग में काम नहीं करता था ये, सेविंग्स अकाउंट नहीं थे, करेंट अकाउंट नहीं थे, लेकिन बाद में ये रिटेल बैंकिंग में भी उतरा। अब खाता ग्राहक जो है, मतलब जो कस्टमर्स हैं, वो यहाँ पे पैसा भी जमा कर देते थे। अब सबसे अच्छी बात ये है कि यस बैंक 2005 से 2015 इतना बढ़िया इसने काम किया दोस्तों, शेयर्स की कीमत 45 रुपए थी जब यस बैंक को पब्लिक किया गया, और पहला ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब लेके आई, जब इसके शेयर बिके तब 45 रुपए पर शेयर, और एक टाइम पे दोस्तों ये 1400 तक पहुंच गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि यस बैंक ने कितना जबरदस्त काम किया होगा, इन्वेस्टर्स की पहली पसंद थे यस बैंक, और यस बैंक का काम कमाल था, और जो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट भी बहुत बढ़िया मिलता था। लेकिन इन सबके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा था, यस बैंक अपनी बैलेंस शीट को छुपाता था, बैड लोन्स ना दिखें, ये सब छुपा, इसका पूरा ये, इसमें दोस्तों ये चीज थी, बहुत डाइवर्जन किया यस बैंक ने। यस बैंक के बारे में यहां पे भी ये भी बोला जाता है, राणा कपूर के कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़िया थे। तो होता क्या था कि काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, जब भी यस बैंक की बैलेंस शीट आती थी उसमें कोई भी बैड लोन्स नहीं होते थे। अब ये राणा कपूर, क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट बहुत बढ़िया थे, अगर कोई डिफॉल्टर इनको मिलता था तो अपने किसी दोस्त से बोल देते थे कि भैया एक काम करो कि तुम उसको पैसा दे दो, वो चुका देगा। यानी कि यहां पे बैड लोन्स का खेल ही खत्म, वो शीट में दिखेगी ही ना। तो एंड रिजल्ट में तो आपको सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन जब 2015 आता है, 2015 खतरे की घंटी यस बैंक में बजने लगी। हुआ क्या दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एसेट क्वालिटी रिव्यू करता है, आपकी बैलेंस शीट को चेक करता है, आप जो क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट देते हैं, जो शीट्स निकालते हैं, ठीक है, बैंक्स जो करते हैं, जब आरबीआई ने चेक किया तो यहां पे कुछ गड़बड़ निकली। ठीक है, गड़बड़ क्या निकली कि जो ये नंबर्स दे रहा था यस बैंक वो सही नहीं थे, ये कुछ छुपा रहा था, डाइवर्जन था, है ना, छुपाने वाले नंबर्स को डाइवर्जन कहते हैं। 2016 में जब और ज्यादा इस पे इन्वेस्टिगेट किया गया तब पता चला 4000 करोड़ का डाइवर्जन है, यानी कि 4000 करोड़ के बैड लोन्स है। 2017 में दोस्तों ये आंकड़ा 6000 करोड़ पहुंच गया। अब बैंक चलता है पैसे से। 2017 में जब ये बात सामने आई तो आरबीआई को कदम उठाने थे। अब आरबीआई ने ये बोला कि आपके जो सीईओ है राणा कपूर, ये कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं, है ना, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, यस मैन है, इनके स्टाफ बोलता है, ठीक है, जो यस बैंक का स्टाफ है वो ये बोलता है कि राणा कपूर को कभी ना सुनना पसंद नहीं है, और जो पूरा डिसीजन है वो राणा कपूर ही लेते हैं, और राणा कपूर अपनी पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, इनके इवेंट्स में आपको फिल्म स्टार दिख जाएंगे, क्रिकेटर्स दिख जाएंगे, और राणा कपूर तो होते ही हैं, है ना। तो इनका इनके स्टाफ को भी इनकी आदत पड़ गई थी, लेकिन जब आरबीआई ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तब यहां पे ये बोला गया कि 2017 से लेकर 31 जनवरी 2019 तक आप सीईओ रहेंगे, उसके बाद आपको सीईओ नहीं बनाया जाएगा। अब जब ये बात सामने आने लगी तब कुछ तो गड़बड़, यानी कि लोगों को पता तो चलने लगा कि यस बैंक में प्रॉब्लम तो है, ठीक है, क्योंकि अब बैड लोन्स जो है वो सामने आने लगे थे। लेकिन दोस्तों 2018 के बाद चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, अब दोस्तों 2016 तक ये 26 गुना ज्यादा बढ़ा,
10 साल में यस बैंक ने कमाल की ग्रोथ दिखाई है, टॉप 5 बैंकों में से एक था दोस्तों। 2 लाख करोड़ डिपॉजिट है भैया यस बैंक की बात करें, 1000 से ज्यादा ब्रांचेस है पूरे देश में, 1800 से ज्यादा एटीएम्स हैं, और अब एटीएम्स बंद हो गए हैं। अगर आपको पैसा निकालना है तो अब आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने अब इसको इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, अभी हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो इतने सारे बैड लोन्स रिपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? अब ये बैड लोन्स आए कहां से? बैड लोन्स दोस्तों, जो कंपनीज को पैसा दिया गया, ज्यादातर कंपनीज को जो पैसा दिया वो डूब गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि किन किन कंपनीज को पैसा दिया गया। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन दिवालिया हो गई है, ILNFS दोस्तों इसके बारे में तो सभी को पता है ना, लाखों करोड़ का घोटाला कर, घोटाला क्या मतलब, लोन वापस ही नहीं दे पाई, ठीक है। अनिल अंबानी पूरी तरीके से इनके जो भी इन्होंने लोन लिए उसको चुकाने में नाकामयाब, कामयाबी नहीं, मुकेश अंबानी नहीं है ये, अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप है ये, तो अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप को आपको पता ही है, मैंने मुकेश अंबानी की बायोग्राफी देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में क्या डिफरेंस है। मुकेश अंबानी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनीज डूब गई हैं। तो अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप को यहां पे लोन दिया, तो ज्यादातर जिन कंपनीज को लोन दिए, कुछ पॉलिटिशियंस को लोन दिया, कॉन्टैक्ट्स थे, पॉलिटिशियंस कहां लोन चुकाएंगे, है ना। तो और ये करोड़ों करोड़ों में है लोन्स। और अभी तो जब आरबीआई ने देखा कि इस क्वार्टर की तो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश ही नहीं की है, तब आरबीआई को बहुत ज्यादा, अभी इन्होंने बताया नहीं है कि अभी कितने और ज्यादा बैड लोन्स अभी हो सकते हैं, अभी बहुत सारे लोन्स तो अंडर रिपोर्टेड है, वो जब रिपोर्ट आएगी तब उसमें पता चलेगा, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों हम देखते हैं, जब ऐसी कंपनीज को लोन्स दिए, बैड लोन्स क्रिएट होते गए, एनपीएस क्रिएट होते गए, जिनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है, कि अब इनसे लोन्स तो वापस आएंगे नहीं, तो ये आंकड़ा बढ़ता गया और हमारे लिए सिरदर्दी, आरबीआई के लिए सिरदर्दी, समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों हुआ क्या, इसके बाद 31 जनवरी 2019 को दोस्तों हटा दिया गया यहां पे राणा कपूर को, ठीक है, राणा कपूर को हटा दिया गया। अब राणा कपूर को जब हटाया गया तब रवनीत गिल आए इनकी जगह, राणा कपूर को जब हटाया तो अपना सारे स्टेक्स बेच के वो भाग गए, राणा कपूर बिल्कुल भी नजर में आए ही नहीं। यस बैंक एक बार वो छोड़ के गए तो उसके बाद वापस आए नहीं, स्टाफ को उनके साथ काम करने की आदत थी। अब जब राणा कपूर को हटाया गया तब लोगों का और भरोसा कम हुआ, ये 2019 की बात है, जनवरी की, लोगों का और भरोसा कम हुआ और विद इन 6 मंथ यस बैंक बिल्कुल नीचे चला गया। विद इन 6 मंथ दोस्तों, 6 महीने के अंदर अंदर, जनवरी से जून जुलाई आते आते यस बैंक के शेयर प्राइसेस बिल्कुल नीचे गिर गए, 400 रुपए से सीधा वो 43 रुपए पे आ गए। ये अभी 4 महीने पहले की खबर है, क्यों? क्योंकि यहां पे एक तो लोग पैसा निकालने लगे, भैया देखो बैंक अभी मैंने बताया ना पैसे से चलेगा, लोग पैसा निकालने लगे, दूसरी चीज इन्वेस्टर्स को डर लगने लगा, इन्वेस्टर्स ने पीछे से हाथ खींच लिया, वो अपने शेयर्स बेच के स्टेक्स बेच के भागने लगे, तो यहां पे इनका शेयर, इनके शेयर की वैल्यू गिर गई। अब एक बार शेयर की वैल्यू गिर गई, खेल खत्म। तो ये हुआ यस बैंक के साथ, इनके शेयर की वैल्यू गिर गई और 43 रुपए पे इनका शेयर आ गया और अभी 5 रुपए पे आ गया है दोस्तों, तो इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। और 5 मार्च जब आरबीआई ये बार बार चीजें देखता रहा, तब फाइनली 5 मार्च को उसने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मोरेटोरियम लगा दिया यहां पे आरबीआई। तो जब आरबीआई ने ये सारी चीजें नोटिस की दोस्तों, तो यहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई यस बैंक के ऊपर, और ये अभी की कहानी है। हालांकि जब रवनीत गिल जब आए और रवनीत गिल इससे पहले डुस्टिच बैंक के चीफ रह चुके हैं, तो रवनीत गिल ने काफी कोशिश की, ठीक है, कि बैंक को रिवाइव किया जाए, $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए, लेकिन दोस्तों इससे कुछ हुआ नहीं खास, है ना, इससे कुछ भी नहीं हुआ। और यहां पे यस बैंक को मोरेटोरियम के अंदर रखा गया, ठीक है। मोरेटोरियम का मतलब यह है कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। 5 मार्च को दोस्तों ये हुआ है, 5 मार्च को आरबीआई ने यस बैंक को मोरेटोरियम के अंदर रख दिया, और तभी से आप खबरें देख रहे हैं। अब मोरेटोरियम का मतलब क्या है, 50,000 तक की लिमिट लगा दी है, 50,000 बस आप विड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी एटीएम तो बंद हो गए, नेट बैंकिंग काम नहीं कर रही है, तो आपको बैंक में जाके लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। अब बहुत लोगों ने तो पहले ही पैसा निकाल लिया था, लेकिन जो लोग नहीं निकाल पाए, आप इंटरव्यूज देखिए ना दोस्तों, पीएमसी बैंक में तो मौतें हो गई थी जब पीएमसी बैंक गया था, वो कोऑपरेटिव बैंक था, छोटा बैंक था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बैंक है, 21 लाख खाता धारक, 21 लाख कस्टमर्स, कहां जाएंगे वो। आरबीआई ने हालांकि कुछ रियायतें दी हैं, ये जो कैप लगाई गई है मोरेटोरियम के, मतलब 3 अप्रैल 2020 तक, 1 महीने के तक एक तरीके से इसको, इस पे नजर रखी जाएगी। अब आरबीआई का ये डिसीजन बहुत ही बढ़िया है, याद रखिएगा कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, बैंक को डूबने नहीं दिया जाता, और सरकार किसी भी बैंक को डूबने नहीं देगी, याद रखिएगा, जो बड़े बैंक है उनको बिल्कुल भी डूबने नहीं देगी, सरकार बेल आउट कर सकती है,
सरकार पैसा खुद से बहुत इन्फ्यूज कर सकती है, जैसे 2007 में अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में जब बैंक डूबे थे, क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू की थी, सरकार ने ढेर सारे पैसे दिए थे। सरकार इसमें भी कर सकती है, ये से बैंक, ये भी ऑप्शन है सरकार के पास, इसको मर्ज कर सकती है किसी बड़े बैंक के साथ। ऐसा हुआ है पहले, 2003 में बड़ा बैंक जब डूबा था तो उसको मर्ज किया गया था, गणेश था या कौन सा बैंक था आप देख लीजिएगा थोड़ा। लेकिन यहां पे जो रिवाइवल प्लान आया है उसमें ये बोला है कि एसबीआई और एलआईसी हेल्प करने वाले हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 49% स्टेक जो है वो खरीदेगा। ठीक है, ये रिवाइवल प्लान है दोस्तों, अभी इंप्लीमेंट कुछ नहीं किया है। अब जब 49% स्टेक एसबीआई खरीदेगा, ठीक है, बैंक की तो हालत आप देख ही रहे हैं, और अभी शेयर की जो कीमत है वो बहुत नीचे है, ₹5 है, तो शायद ₹2 कीमत या ₹10 कीमत से एसबीआई पर शेयर, ₹10 पर शेयर या फिर ₹2 है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से एसबीआई जो है वो 49% स्टेक खरीदेगा। अब उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब यस बैंक को अपने अंडर लेगा तो उसमें फिर इंप्रूवमेंट करेगा, ठीक है, चेंजेस करेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू दोबारा बढ़ेगी, एसबीआई इन्वेस्टर्स को ढूंढेगा, फिर यहां पे धीमे धीमे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक के स्टेक्स को दोबारा सेल करेगा इन्वेस्टर्स को, तो ये बैंक जो है वो फिर से पटरी पे आएगा। आइडिया ये है बेसिकली रिवाइवल प्लान, ठीक है, कि यहां पे जो बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए तो सरदर्दी है ना ये तरीके से। इसका दोस्तों एक और चीज था डूबने का, ये भी था कि जो भी जो रेटिंग एजेंसीज थी, ठीक है, वो भी नेगेटिव, लगातार नेगेटिव रेटिंग दे रही थी। अब लगातार नेगेटिव रेटिंग का देने का मतलब ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टर ये देखता है कि मैं कहां पैसा लगाऊं, क्योंकि उसको रिटर्न ज्यादा चाहिए, ठीक है भैया, अगर आपने कहीं ₹100 लगाया तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ एक महीने बाद मुझे 120 या ₹130 तो मिलना चाहिए, तो आप देखेंगे कि कहां आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टर्स हमेशा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देखते हैं कि किसको कितनी रेटिंग मिली है। यस बैंक को लगातार नेगेटिव रेटिंग्स मिल रही थी, इसीलिए इन्वेस्टर्स का भरोसा और ज्यादा उठ गया, समझ रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली 5 मार्च, देर आए दुरुस्त आए, आरबीआई आया, लेकिन आरबीआई का यह डिसीजन लेट है, इसको बहुत पहले ही ये कर देना चाहिए था, या फिर इस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर ले आना चाहिए था, लेट डिसीजन है। लेकिन अल्टीमेटली आरबीआई ने इंटरवीन किया और कैप लगाई गई है, ये 3 अप्रैल 2020 तक आप ₹50,000 निकाल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है, लेकिन ये 5 लाख निकालने के लिए, यानी कि 50,000 से अगर आपको ऊपर जाना है तो या तो हेल्थ इमरजेंसी हो या कोई बहुत ज्यादा कोई जरूरी काम हो या एजुकेशन के लिए, और उसमें भी बकायदा आपको पेपर्स लगाने पड़ेंगे, वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। तो 3 अप्रैल 2020 तक आप ₹50,000 निकाल सकते हैं। अब 3 अप्रैल के बाद क्या होगा दोस्तों, अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी तो यही है, हालांकि देखना होगा कि उसके बाद आरबीआई क्या करता है, लेकिन 3 अप्रैल के बाद सारे ग्राहक तो अपना पैसा निकाल ही लेंगे, वो छोड़ेंगे थोड़ी ना कुछ, है कि नहीं। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, लेकिन एक चीज तो आप मान के चलिए कि हमारी सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक को ऐसे डूबने नहीं देता, क्योंकि इकॉनमी पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये अभी रिवाइवल प्लान में बोला गया है कि इसके स्टेक्स जो है वो एसबीआई खरीदेगा, जो इसका मच नीडेड कैपिटल है। राणा कपूर का क्या, राणा कपूर को अरेस्ट किया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरेस्ट किया गया, 4,300 करोड़ का ये जो मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है PMLA, उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया, करप्शन के चार्जेस लगे हैं, और उसके बाद मुंबई कोर्ट में इनको पेश किया गया, इनकी बेटी पे भी रोक लगा दी गई है, उनपे भी उनसे भी पूछताछ लगातार हो ही जा रही है। तो मुंबई कोर्ट में ये रोने लगे, 62 साल के हैं और ये रोने लगे, ठीक है ना, कि मैं कोऑपरेट कर रहा हूं, मुझे वक्त दीजिए, लेकिन अब जो आपने किया है वो तो आपको अब उसका तो पे बैक टाइम है, अब तो कुछ अब क्या वो कहते ना कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब तो आपने पैसा फंसा दिया है इतने लोगों का और आप तो पतली गली से कट लिए, लेकिन अब कानून आपको छोड़ेगा नहीं। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है, फिलहाल ये कहानी थी यस बैंक की, आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।